मैं दीपिका पुष्करनाथ, स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रिसाइसली वी आर डिमांडिंग रीलोकेशन पॉलिसी, वी आर डिमांडिंग प्रोटेक्शन, वी आर डिमांडिंग रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, दोज हु आर वर्किंग इन कश्मीर अंडर प्रीएम्स रिहैबिलिटेशन पैकेज। आप सबको पता होगा, हाल ही में TRF ने एक थर्ड लिस्ट जारी की है जिसमें कश्मीरी पंडित्स के नाम है और थ्रेटन किया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित्स विल बी किल्ड। अ मूट क्वेश्चन बिफोर एवरीवन टुडे हियर इन इज व्हाट आर द मेजर्स विद UT एडमिनिस्ट्रेशन विद रिगार्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, विद रिगार्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ दोज कश्मीरी पंडित्स हु आर वर्किंग इन कश्मीर अंडर PM's रिहैबिलिटेशन पैकेज, इन व्यू वेयर इन द TRF हैज रिसेंटली कम अप विद अ लिस्ट जहां पर TRF ने पब्लिकली धड़ल्ले से धमकी दी है कि कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीर में काम कर रहे हैं उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। ऐसी सिचुएशन में जहां पर ऐसी एक ग्रेव जो सिचुएशन बनी हुई है, एक सीरियस सिचुएशन है जहां पर धड़ल्ले से कश्मीरी पंडितों के नाम जो है वो जारी किए गए हैं एक लिस्ट में, क्या है मेजर्स भारतीय जनता पार्टी के पास या क्या है मेजर्स UT एडमिशन लाइव जो है वो इंश्योर होती हैं? अपने आप में एक बहुत संजीदा मसला है, अपने आप में एक बहुत ग्रेव इशू है जो कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हैज़ मिजरेबली फेल्ड इन एड्रेसिंग। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए पूरा मैकेनिज्म को यूज़ कर लेते हैं, बट वहीं पर एक कश्मीरी पंडित जिसका दर्द उस फिल्म में बेचा गया, जिसके दर्द को मोनेटाइज किया गया, जिसके दर्द पे लोगों ने अपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ी, आज वही कश्मीरी पंडित अपनी जान को बचाने के लिए आवाज़ उठा रहा है। आज वही कश्मीरी पंडित पिछले सात महीने से सड़क पर खड़ा है। वही कश्मीरी पंडित एक ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहा है, रीलोकेशन मांग रहा है, बट बदकिस्मती ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि अपनी जीत के झूठे परचम लहराती है, उस भारतीय जनता पार्टी के पास एक मेजर नहीं है, एक ब्लूप्रिंट नहीं है, एक्चुअली दर्द फील नहीं कर सकती कश्मीरी पंडित्स का। सो आज जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी फिर से डिमांड करती है कि कश्मीरी पंडित्स को रीलोकेट किया जाए, सेफर जगह पे जम्मू में रीलोकेट किया जाए, एक ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए ताकि कश्मीरी पंडित्स की जिंदगियां जो हैं सो दैट देयर लाइव्स आर प्रोटेक्टेड। एंड मुझे लगता है नथिंग इज मोर देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नथिंग इज मोर देन अ फंडामेंटल राइट, और एक ट्रांसफर पॉलिसी लाना जो है वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कि एंड आई मस्ट से वन थिंग हेयर दैट भारतीय जनता पार्टी जो आपने भी देखा कैसे वो अपने झूठे परचम लहरा रही है, रादर फॉल्स क्लेम्स कर रही है कि कश्मीर में जो है वो नॉर्मल सी आ गई है आफ्टर एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370। वही भारतीय जनता पार्टी